Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. अभी मनोज तिवारी जी दिल्ली के सांसद पटना पहुंचे हैं, हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, पीएम मोदी जी ने एक बड़ा फैसला लिया है ये पेंशन को लेकर के, यूनिफाइड पेंशन को लेकर के, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, एक लाइन बहुत दिन से चलती है। ये सेंट्रल पेंशन स्कीम जिसकी डिमांड देश के लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी कर रहे थे और उनके इच्छा की पूर्ति हुई है, मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी हर सेक्टर के लोगों की बातों को समझ रहे हैं और ये सेंट्रल स्कीम का पास होना ये बहुत बड़ा राहत है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने देश के सरकारी कर्मचारी हैं, सेंट्रल सरकार के भी, वो अपने अपने ढंग से मोदी जी को धन्यवाद देंगे। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो जातिगत गणना करा करके रहेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी ना भी मेंटली थोड़ा सा गड़बड़ चल रहे हैं। अगर आप दुनिया देश के हर व्यक्ति की जाति जानना चाहते हो तो अपनी बताने में आपको गाली क्यों लगती है? हमको ये नहीं समझ में आता। हम तो कह रहे हैं, मैं मनोज तिवारी भाई, मैं ब्राह्मण हूँ और हर व्यक्ति अपनी जाति रखता ही है, लेकिन हम तो रामधारी सिंह दिनकर के धरती से हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक लाइन है कि जाति जाति करते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जात जाति हैं ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। हम उस रामधारी सिंह दिनकर जी के धरती से हैं, तो हम तो योग्यता पे, प्रतिभा पे, अभी जे जोने जात के बाटे कोनो छिपल बा? आधार कार्ड बनी तो लिखा ही के पड़ी, जेकरा जो रिजर्वेशन में बाटे तो मिलते बाटे। लेकिन अब एकनी के जब से सत्ता से बाहर भइल बड़ सन, इन्हीं के लागत छिछियाल बड़ सन, छोड़ दिए इन्हीं के। सर, तेजस्वी यादव लगातार महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 साल के शासन कालों में जो है बिहार पिछड़ गया है। खाली हमला बोलेंगे कि करेंगे भी? 15 साल उनके परिवार से ही बिहार चल रहा था, तब क्या हुआ? और अभी भी वो पीछे भी 2.5-3 साल चलाए हैं डिप्टी सीएम बन के। तो देखो, इन लोगों की आदत है, ये हमला बोलते हैं खाली। और नीतीश जी और बीजेपी, जेडीयू बीजेपी मिलके, हम एनडीए के लोग अभी 26,000 करोड़ का बजट दिए हैं, 26,000 करोड़ प्लस 15,000 करोड़ और, तो हम बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से ऊपर भी लेके जा रहे हैं। और बिहार के प्रत्येक बच्चे के हाथ में रोजगार हो, स्किल्ड हो, मैं बोलूंगा सब लोग आओ, स्किलिंग से सीखो और अपने बिहार को ऊपर चढ़ाओ। चंपई सोरेन जी का कयास लगा रहा जाए कि एनडीए में आएंगे, क्या लगता है एनडीए में आएंगे? तो देखो, जो होगा अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, दिल्ली के सांसद, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी, यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया राहुल गांधी को लेकर के उन्होंने कहा, और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के द्वारा जो लगातार बयानबाजी की जा रही है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के, जिस पर भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात रखी। शुभम निराला, बिहार तक, पटना।